So guys, today we are going to describe unit mineral nutrition. प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने इस यूनिट को डिस्क्राइब किया था. इस यूनिट का जो सेगमेंट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था, दैट वाज द एसेंशियल एलिमेंट्स. एंड एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते समय पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था दैट एसेंशियल एलिमेंट्स को हमने टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, माइक्रो एलिमेंट्स एंड द मैक्रो एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी. एंड देन फोर डिफरेंट कैटेगरीज, फोर डिफरेंट टाइप के अंदर डिवाइड किया था एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को बेस्ड ऑन देयर फंक्शन परफॉर्म्ड. सो टुडे मिनरल न्यूट्रिशन का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आज हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं एंड दैट पॉइंट इज द हाइड्रोपोनिक्स. नाउ हाइड्रोपोनिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा इसका बैकग्राउंड के ऊपर पहले वर्क कर लेते हैं, बैकग्राउंड के बारे में, इसका हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं दैट व्हाट इज द नीड ऑफ हाइड्रोपोनिक्स. इन प्रीवियस क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एसेंशियल एलिमेंट्स अगर कम हो जाए, प्लांट्स को अगर एसेंशियल एलिमेंट्स की कमतरता होती है तो प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकली कुछ सिम्टम्स शो करता है, कुछ इंडिकेशंस देता है. सो जो इंडिकेशंस हमको मॉर्फोलॉजिकली प्लांट शो कर रहा है हम लोग उसे डिफिशियंसी सिम्टम्स बोलते हैं, बिकॉज किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट का डिफिशियंसी होता है प्लांट्स को, दैट्स व्हाई प्लांट मॉर्फोलॉजिकली इंडिकेशन देता है, कुछ सिम्टम देता है, दैट इज द डिफिशियंसी सिम्टम्स. एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, इट्स अ क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, प्रीमैच्योरली फॉल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ढेर सारे हमारे पास में एग्जाम्पल्स है जो डिफिशियंसी सिम्टम्स के एग्जाम्पल्स है. दैट मीन्स अगर प्लांट को एलिमेंट्स प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है, तो प्लांट कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स शो करेगा, कुछ इंडिकेशन शो करता है. नाउ क्लोरोसिस जैसे हम लोगों ने बोला है एक प्रकार का डिफिशियंसी सिम्टम्स है. अगर प्लांट क्लोरोसिस शो करता है या फिर प्लांट नेक्रोसिस शो करता है या प्रीमैच्योर लीफ फॉल शो करता है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की डिफिशियंसी है. बट नेक्रोसिस, क्लोरोसिस या प्रीमैच्योर लीफ फॉल, अदर डिफिशियंसी सिम्टम्स, ये किसी सिंगल एलिमेंट की डिफिशियंसी के कारण नहीं होता है. ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर देयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्रोसिस, क्लोरोसिस एंड अदर डिफिशियंसी सिम्टम्स. सो जिस समय पर हम लोग प्लांट को सॉइल में ग्रो करते हैं, एट द टाइम प्लांट कौन सा एलिमेंट के कारण डिफिशियंसी सिम्टम शो कर रहा है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा दिक्कत भर हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज सॉइल के अंदर ऑलरेडी ढेर सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है. प्लांट के रूट सॉइल के अंदर अवेलेबल है, रूट्स सॉइल से मिनरल्स आयनिक फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, बट कौन सा मिनरल उसे कम मात्रा में मिल रहा है, कौन सा मिनरल की मात्रा उसे डिफिशियंट हो रही है, ये आइडेंटिफाई करना दिक्कत भर हो जाता है, बिकॉज क्लोरोसिस केवल सिंगल एलिमेंट की डिफिशियंसी के कारण नहीं होता, नेक्रोसिस सिंगल एलिमेंट की डिफिशियंसी के कारण नहीं होता. तो जिस समय पर आप प्लांट के अंदर मॉर्फोलॉजिकली नेक्रोसिस या क्लोरोसिस को ऑब्जर्व करोगे तो डायरेक्टली कौन से एलिमेंट की डिफिशियंसी हो रहा है ये बोल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो अगर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन प्लांट को पर्टिकुलरली कौन सा एलिमेंट डिफिशियंट है, विच एलिमेंट इज पर्टिकुलरली डिफिशियंट जिसके कारण क्लोरोसिस हो रहा है, विच एलिमेंट इज पर्टिकुलरली डिफिशियंट टू द प्लांट जिसके कारण नेक्रोसिस हो रहा है, अगर हमें इस प्रकार का पर्टिकुलर एलिमेंट का डिफिशियंसी, उसके सिम्टम्स आइडेंटिफाई करना है तो हमारे पास में एक बहुत अच्छा टेक्निक अवेलेबल है एंड दैट टेक्निक इज द हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है? हाइड्रोपोनिक्स को हम लोग सॉल्यूशन कल्चर भी बोलते हैं, इसे हम लोग सॉइल लेस कल्चर का भी नाम देते हैं. मीन्स वर्ड्स ही क्लियर है, साइंटिफिक वर्ड्स आर वेरी इजी, साइंटिफिक वर्ड्स आर वेरी इजी. दैट मीन्स अगर हम लोग वर्ड को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर ले तो वहीं से हमको उसका मीनिंग निकल कर आ जाता है, मीनिंग पता चल जाता है. तो उसका डेफिनेशन लर्न करने की रेट नीड नहीं होती है, हम लोग उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो इट्स अ सॉइल लेस कल्चर, मीन्स हम लोग प्लांट्स को इस प्रकार से ग्रो करेंगे जहाँ पर सॉइल अवेलेबल नहीं रहेगा, विदाउट सॉइल हम लोग प्लांट्स का कल्टिवेशन करने वाले हैं. सो दिस इज द हाइड्रोपोनिक टेक्निक. इट इज अ टेक्निक ऑफ कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स बाय प्लेसिंग देयर रूट्स इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. प्लांट्स का कल्टीवेशन करना है लेकिन यहाँ पर सॉइल यूज़ नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे. दैट मेथड इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स, एज इट इज सॉइल लेस कल्चर, सॉल्यूशन कल्चर और हाइड्रोपोनिक्स. यहाँ पर हम लोग किसी भी एलिमेंट की, पर्टिकुलर एलिमेंट की डिफिशियंसी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. होता क्या है इस टेक्निक के अंदर, इसे हम लोग थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे. सबसे पहली बार जूलियस वॉन सैक नाम के
पर्सन ने नाइट्रोजन रिलेटेड डिफिशियंसी को वर्कआउट किया था, डेमोन्स्ट्रेशन दिया था एंड उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स का मेथड यूज किया था. डेमोन्स्ट्रेशन वॉज फर्स्टली गिवन बाय द जूलियस वॉन सैक. जूलियस वॉन सैक ने मेनली वर्क किया था ऑन द नाइट्रोजन डिफिशियंसी. तो इसे जूलियस वॉन सैक इन्होंने फर्स्टली डेमोन्स्ट्रेट किया था इन प्लांट को नाइट्रोजन किस लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द एसेंशियलिटी ऑफ नाइट्रोजन. ये डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक और द सॉइललेस कल्चर. नाउ हमें हाइड्रोपोनिक्स के अंदर करना क्या होता है ये टेक्निक को थोड़ा सा समझ लेते हैं. जिस समय पर हम लोग किसी प्लांट को सॉइल में ग्रो करते हैं तो सॉइल के अंदर ऑलरेडी ढेर सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है. प्लांट रूट की सहायता से मिनरल्स को आयन फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है एंड ग्रो करता है. बट पर्टिकुलरली कौन से एलिमेंट की डिफिशियंसी है आइडेंटिफाई करना दिक्कत भरा हो जाता है. दैट्स व्हाई हम लोग हाइड्रोपोनिक्स के अंदर क्या करेंगे, सोल्यूशन फॉर्मेट के अंदर हमारा न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहेगा, लिक्विड फॉर्मेट के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहेगा, देन हम लोग सॉल्यूशन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देंगे. जिस बकेट में जिस कंटेनर में आप प्लांट को ग्रो करने वाले हो एंड मेन पर्पस एम क्या है हमारा, टू आइडेंटिफाई द एसेंशियलिटी ऑफ द एलिमेंट एंड टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम्स. ये दो मेन पर्पस है जिसके लिए हम लोग हाइड्रोपोनिक्स का मेथड और टेक्निक यूज कर रहे हैं. तो जो कंटेनर में आप लोग प्लांट ग्रो करने वाले हो वहाँ पर आपने न्यूट्रिएंट मीडियम या फिर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्लेस कर दिया है. न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिया है लेकिन वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलरली किसी एक एलिमेंट की हम लोग डिफिशियंसी रखेंगे. देर आर 17 एसेंशियल एलिमेंट्स. कंसिडर कर लेते हैं कि हमने 16 एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया है बट कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोगों ने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर ऐड नहीं किया. दैट मींस दैट लिक्विड मीडियम इज डिफिशियंट इन वन पर्टिकुलर एलिमेंट. अब उस लिक्विड मीडियम के अंदर उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में हम लोग प्लांट को ग्रो कर रहे हैं. प्लांट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में से रूट की सहायता से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा एंड ग्रो करेगा बट कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट सॉल्यूशन के अंदर हमने जानबूझकर ऐड नहीं किया है. दैट मींस प्लांट को वो पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं मिलेगा एंड इमीडिएटली प्लांट मॉर्फोलॉजिकली कुछ सिम्टम्स शो करेगा. सिम्टम्स ना, जो सिम्टम प्लांट शो करने वाला है, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और इंडिकेशंस प्लांट देने वाला है वो किसके कारण रहेगा, बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जिसे हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ऐड नहीं किया है. दैट मीन्स जैसे ही प्लांट का आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी करोगे यू विल केम टू नो दैट प्लांट को वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं मिला है. दैट्स व्हाई प्लांट एक्स वाई जेड सिम्टम शो कर रहा है. अगर प्लांट क्लोरोसिस शो कर रहा है तो किसके कारण शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जो सॉल्यूशन में नहीं है. प्लांट नेक्रोसिस के सिम्टम शो कर रहा है, किसके कारण शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जो आपने सॉल्यूशन में ऐड नहीं किया है. दैट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू डिटरमाइन द एसेंशियलिटी ऑफ द एलिमेंट, वो पर्टिकुलर एलिमेंट किस काम के लिए रिक्वायर्ड है, उसकी एसेंशियलिटी क्या है, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने वाला है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है देन यू हैव टू यूज द हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक. प्लांट डिफिशियंसी सिम्टम शो कर रहा है, मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकल कुछ इंडिकेशन दे रहा है, डिफिशियंसी के इंडिकेशन दे रहा है, किसके कारण दे रहा है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट के कारण. कैसे पता चला, अगेन बिकॉज ऑफ द हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक. एंड हाइड्रोपोनिक टेक्निक के अंदर हम लोग प्लांट को ग्रो करने के लिए जो पर्टिकुलर पीएच चाहिए होता है वो पीएच रेगुलेट कर सकते हैं. दैट मीन्स सॉइल का जो पीएच होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है प्लांट एक पर्टिकुलर पीएच में ग्रो करता है. अगर उस पर्टिकुलर एरिया का पीएच प्लांट की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है तो प्लांट उस सॉइल में ग्रो नहीं हो पाएगा. बट हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के अंदर हम लोग पीएच के द्वारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जो पीएच के द्वारा प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा उसे भी ओवरकम कर सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन ऑप्टिमाइज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन सो दैट कोई भी प्लांट आप लोग किसी भी कंडीशन के अंदर ग्रो कर सकते हो. सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रोपोनिक्स. हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द हाइड्रोपोनिक्स सॉल्यूशन कल्चर और सॉइललेस कल्चर. ये एक ऐसी प्रकार का टेक्निक है जहाँ पर हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. दैट मीन्स विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ सॉइल, यहाँ पर सॉइल का यूज नहीं होता है. रीजन क्या है, पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट द एसेंशियलिटी ऑफ द एलिमेंट, टू नो द डिफिशियंसी सिम्टम कॉज बाय पर्टिकुलर एलिमेंट एंड पीएच कैन बी ऑप्टिमाइज. दैट मीन्स पीएच द्वारा जो दिक्कत क्रिएट हो रही है प्लांट को ग्रो करने में वो चीज को भी हम लोग ओवरकम कर सकते हैं. फर्स्टली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द जूलियस वॉन सैक. जूलियस वॉन सैक ने नाइट्रोजन की एसेंशियलिटी के ऊपर वर्क किया था एंड जैसे हम लोगों ने
प्लांट टिश्यू कल्चर का चैप्टर स्टडी किया है, यूनिट स्टडी किया है अबाउट द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। प्लांट टिश्यू कल्चर में जो न्यूट्रिएंट मीडियम हम लोग यूज करते हैं, दैट न्यूट्रिएंट मीडियम वाज डेवलप्ड बाय एमएस, दैट मींस मुराशी एंड स्कूक। प्लांट टिश्यू कल्चर का न्यूट्रिएंट मीडियम मोस्टली द कॉमन न्यूट्रिएंट मीडियम यूज्ड इन द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक दैट वाज डेवलप्ड बाय द मुराशी एंड स्कूक, इसे हम लोग एमएस न्यूट्रिएंट मीडियम बोलते हैं। उसी प्रकार से हाइड्रोपोनिक्स, ये भी एक टेक्निक है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में जो कॉमन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं, दैट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इट इज डेवलप्ड बाय डी आर हॉगलैंड एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द हॉगलैंड सॉल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोपोनिक्स सॉल्यूशन कल्चर और द सॉइललेस कल्चर, द टेक्निक ऑफ कल्टिवेशन ऑफ प्लांट बाय प्लेसिंग देयर रूट्स इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट सॉइल। इट्स अ सॉइललेस कल्चर डेमोंस्ट्रेटेड बाय जूलियस बॉनसेक। The most common nutrient medium or nutrient solution used here in hydroponics technique, it is the solution developed by D.R. Hoagland. That's why it is called as the Hoagland solution. The advantages of hydroponic technique is to find out the essentiality of particular element, to find out the deficiency symptoms caused by particular element, and the pH of the solution can be optimized. So this is all about the hydroponic technique, the part of mineral nutrition unit. Thank you. Hope you understand the topic.